हाय गाइस, दिस इज मेहुल मेहता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था कि फॉर लूप क्या होता है एंड इसको पाइथन के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। इस वीडियो में अपन देखेंगे कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है एंड इसको फॉर लूप के साथ कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। गाइस, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है फॉर लूप पे, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप वो देख लीजिए, बिकॉज मैंने उसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। तो अगर आप वो वीडियो देख लेंगे एंड उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको काफी इजीली चीजें समझ में आएंगी। तो अपन ये वीडियो से स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट अपन देखते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है। विद द ब्रेक स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द लूप बिफोर इट हैज लूप टू ऑल द आइटम्स। इसका अपन पहले मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो मैं आपको एक फॉर लूप का एग्जाम्पल बताता हूँ। तो बेसिकली अपन ने क्या किया, अपन ने फ्रूट्स करके एक वेरिएबल लिया जिसमें अपन ने लिस्ट बनाई चार अलग अलग फ्रूट्स की। फिर अपन एक फॉर लूप लगा रहे फॉर एक्स इन फ्रूट्स प्रिंट एक्स। अब ये अपन इस कोड को समझते कि इस कोड ये कोड इम्प्लीमेंट कैसे होता है। बिकॉज जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स रहते हैं लिस्ट के अंदर, जितनी बार आपका जो लूप है वो रन करेगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि इसमें कितने नंबर ऑफ आइटम्स है, 1 2 3 4। तो इसका मतलब है कि ये जो लूप है ये 4 बार लूप रन करेगा। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो कोड है ये 4 बार रन करेगा। तो अपन देखते हैं कि जैसे कोड रन करेगा तो क्या क्या वैल्यूज आती है, जनरेट होती है। तो मैं आपको इजी वे में बताता हूँ। जैसे अपने को पता है बिकॉज इस लिस्ट में 4 आइटम्स है तो 4 बार लूप रन करेगा ऐसे। एंड जब फर्स्ट बार लूप रन करेगा तो एक्स की क्या वैल्यू रहेगी, एक्स की वैल्यू रहेगी एप्पल। सेकेंड बार लूप रन करेगा तो एक्स की वैल्यू रहेगी वॉटरमेलन। थर्ड बार लूप रन करेगा तो एक्स की वैल्यू होगी चेरी। एंड फोर्थ टाइम में एक्स की वैल्यू होगी ग्रेप्स। तो जैसे ही मैं प्रिंट एक्स कर रहा हूँ तो फर्स्ट लूप में जैसे ही फर्स्ट लूप रन होगा तो मेरे प्रिंट होगा एक्स, तो मेरा एप्पल आउटपुट आएगा। फिर मेरा वापस लूप स्टार्ट होगा, वापस यहाँ पे जाएगा। फिर मेरी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वॉटरमेलन। तो वापस प्रिंट ऑफ एक्स, तो वॉटरमेलन प्रिंट हो गया। फिर वापस यहाँ जाएगा, फिर एक्स की वैल्यू हो गई चेरी। तो मेरा प्रिंट ऑफ एक्स क्या होगा, चेरी आउटपुट में आ गया। फिर एक्स की वैल्यू हो गई ग्रेप्स। फोर्थ टाइम जब यहाँ जाएगा तो मेरी एक्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेप्स। एंड प्रिंट ऑफ एक्स, एक्स क्या है, ग्रेप्स। तो मेरे आउटपुट में क्या आएगा, ग्रेप्स। तो ये तो हो गया नॉर्मल फॉर लूप का कॉन्सेप्ट। बट अब अपन समझते हैं कि जब ब्रेक स्टेटमेंट इसमें आ जाता है तो ब्रेक स्टेटमेंट कैसे काम करता है। तो लेट्स से मैं इसको एग्जीक्यूट करा देता हूँ। तो अपन ने देखा कि बिकॉज ये जो लूप है इसमें चार इस लिस्ट में 4 आइटम है तो लूप 4 बार रन होगा। तो अब अपन देखते हैं, वापस एक बार लूप को समझते हैं कि इस पर जो आउटपुट आ रहा है वो 3 ही क्यों आ रहा है। इसमें जो आउटपुट है अपने चारों फ्रूट्स के नाम क्यों नहीं आ रहे, अपन ये समझते हैं। तो फॉर एक्स इन फ्रूट्स अपन वापस देखते हैं, 1 2 3, ये 4 बार लूप रन होगा। एंड एक्स की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट बार में एप्पल, सेकेंड बार में वाटरमेलन, थर्ड बार में चेरी, फोर्थ टाइम में ग्रेप्स। अब क्या होगा, फॉर एक्स इन फ्रूट्स प्रिंट एक्स, जो मेरा फर्स्ट लूप है उसमें प्रिंट क्या होगा, एप्पल प्रिंट हो गया, आप देख सकते हैं। फिर ये क्या चेक कर रहा है, ये चेक कर रहा है इफ एक्स इज इक्वल टू चेरी। अपने को पता है कि एक्स की जो वैल्यू है वो अभी एप्पल है, तो ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं कर रही, इसलिए इसके अंदर ये वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। मैंने आपको इस इफ स्टेटमेंट वाली वीडियो में मैंने बताया था कि अगर जो आप इफ के अंदर कंडीशन डाल रहे हो, अगर वो सेटिस्फाई कर रही है, अगर वो कंडीशन ट्रू है, तभी इफ के अंदर जो भी आपने कोड लिखा है वो रन होगा। अदरवाइज अगर जो कंडीशन है, ये वाली जो कंडीशन है, ये अगर सेटिस्फाई नहीं कर रही तो ये जो कोड लिखा आपने तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो ये जो कोड है ये फिर ये एग्जीक्यूट होगा। तो अब अपन ने फर्स्ट टाइम में देखा कि फर्स्ट लूप में ये जो है, ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं करी, इसलिए जो ब्रेक है ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। फिर सेकंड लूप में क्या हुआ, एक्स की वैल्यू हो गई वाटरमेलन। फिर प्रिंट ऑफ एक्स, तो अपना देखा कि एप्पल प्रिंट हो गया, फिर वाटरमेलन भी प्रिंट हो गया। फिर क्या चेक करा है कि क्या एक्स की वैल्यू चेरी है, बट अपने को ध्यान है एक्स की वैल्यू वाटरमेलन है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, इसलिए ये वाला कोड भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये ब्रेक वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर वापस जो यहाँ से नहीं, फिर ये बेसिकली एक जैसी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही इसमें, तो थर्ड बार लूप रन होगा। फिर अब एक्स की क्या वैल्यू हो गई, चेरी। तो प्रिंट क्या कर रहा है, चेरी प्रिंट एक्स करेगा ये,
तो आपकी जो वैल्यू है वो क्या प्रिंट हो गई, चेरी प्रिंट हो गई, एप्पल प्रिंट हो गई, वाटरमेलन प्रिंट हो गई, चेरी हो गई। अब ये कंडीशन क्या देख रहा है, इफ एक्स इज इक्वल टू चेरी। हाँ ये कंडीशन एकदम सही है कि एक्स की वैल्यू जो थी वो हमारी चेरी थी। तो अब ये क्या बोल रहा है, ब्रेक, जैसे ही कंडीशन प्रूव हो रही है तो क्या होगा, इफ स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, ब्रेक। अब ब्रेक का क्या मतलब है, ब्रेक का ये मतलब है कि जो लूप है हमारा वो अब ब्रेक हो चुका है। तो ये जो ब्रेक का क्या मतलब, ये वापस यहाँ पे नहीं जाएगा। जैसे कि आप फर्स्ट लूप में देख सकते हैं कि जैसे फर्स्ट लूप अपना फर्स्ट लूप अपना चला था तो ये यहाँ से वापस यहाँ पे गया था, सेकेंड लूप के बाद भी यहाँ से यहाँ गया था, बट थर्ड लूप में अपनी बिकॉज ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो रही है एंड अपन लिख रहे हैं ब्रेक, तो उसका मतलब ये है कि अब जो लूप है वो अब ब्रेक हो गया है। तो अब ये जो प्रोसीजर था वापस जाने का, अब इसको बंद करना है, अब ये वापस नहीं जाएगा। इसलिए जो आपका आउटपुट है आप देख सकते हैं एप्पल वाटरमेलन चेरी है, एंड ग्रेप्स क्यों नहीं है, बिकॉज अपना लूप ब्रेक हो गया है। तो अब ये वापस वापस ये वाला जो स्टेटमेंट है अब ये एग्जीक्यूट नहीं करवाएगा, ये जितने भी स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं कराएगा, बिकॉज अपना ऑलरेडी ब्रेक आ चुका है। आई होप आपको ये समझ में आया हो ये वीडियो। अपन और एग्जांपल्स के थ्रू और अच्छे से चीजें समझते हैं। मैंने क्या लिखा, लिस्ट ऑफ रेंज 6, इसका मैंने आपको ऑलरेडी रेंज फंक्शन में बताया था कि इसका क्या मतलब है कि वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, 1 से इंक्रीमेंट होगी, एंड n-1, n जैसे अपना 6 है तो n-1 तक वैल्यूज जनरेट करेगी, विच मीन 0 से 5 तक वैल्यूज जनरेट करेगी। अब अपन ये वाला कोड समझते कि इस कोड का क्या मतलब है। तो ये क्या बोल रहा है, फॉर एक्स इन रेंज 6, एक्स इन रेंज 6 का क्या मतलब है, ये आपने देखा कि ये वाली वैल्यूज जनरेट करेगा। रेंज 6 का क्या मतलब है, ये वाली वैल्यूज जनरेट करेगा। अगर आपने रेंज वाली वीडियो नहीं देखी मेरी तो वो आप एक बार देख लीजिए, बिकॉज उससे आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी, बिकॉज उसमें मैंने आपको एकदम चीज बताई कि स्टार्ट क्या होता है, स्टॉप क्या होता है, स्टेप साइज क्या होता है, एंड डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल से मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हैं। तो अब इसका क्या मतलब है, फॉर रेंज इन फॉर एक्स इन रेंज 6, इसमें कितने नंबर ऑफ आइटम्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 नंबर ऑफ आइटम है। तो इसका क्या मतलब है, 6 बार जो मेरा लूप है वो चलेगा, करेक्ट। अब मेरा ये जो लूप है वो 6 बार चलेगा। अब लेट से जो मेरा लूप है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, मेरा जो लूप है वो 6 बार चलेगा। और एक्स की क्या वैल्यू होगी हर लूप में, बिकॉज एक्स की अपने को पता है वैल्यूज ये रहेगी, तो एक्स की वैल्यू रहेगी 0, 1, 2, 3, 4, 5। अपने को पता है कि फर्स्ट लूप में एक्स की वैल्यू होगी 0, सेकंड लूप में एक्स की वैल्यू होगी 1, थर्ड लूप में एक्स की वैल्यू होगी 2, ऐसी 6th लूप में एक्स की वैल्यू होगी 5। अब ये क्या कंडीशन देख रहा है, फॉर एक्स इन रेंज 6, इफ एक्स इज इक्वल टू 4, ब्रेक, अदरवाइज प्रिंट एक्स, करेक्ट। तो ये क्या बोल रहा है, अपन ये देखते हैं। तो जब अपना फर्स्ट लूप चलेगा तो एक्स की क्या वैल्यू है, 0। जब फर्स्ट लूप चलेगा एक्स की वैल्यू 0, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो ये इफ स्टेटमेंट के अंदर नहीं जाएगा, सीधा यहाँ आ जाएगा, प्रिंट ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, 0, प्रिंट हो गया 0। फिर अब क्या होगा, वापस यहाँ से यहाँ जाएगा, अब एक्स की वैल्यू क्या हो गई, एक्स की वैल्यू 1 हो गई, इफ एक्स इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन वापस सेटिस्फाई नहीं करा तो वापस ये यहाँ पे कूद जाएगा, तो 1 प्रिंट हो गया। अब वापस यहाँ से यहाँ जाएगा, अब एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 2, वापस कंडीशन चेक करा, इफ एक्स इज इक्वल टू 4, अपने को पता है एक्स की वैल्यू जो है वो 2 है, एंड ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो वापस ये यहाँ पे जम करेगा, प्रिंट ऑफ एक्स, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर अब वापस एक्स की वैल्यू, अब यहाँ से वापस यहाँ पे आएगा, एक्स की वैल्यू क्या होगी, 3 हो जाएगी एक्स की वैल्यू, फिर तो एक्स की वैल्यू 3 हो गई। फिर अपन ये कंडीशन चेक करें कि क्या ये कंडीशन सही है, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, अपने को पता है ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो वापस ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, प्रिंट ऑफ एक्स क्या होगा, 3 प्रिंट हो जाएगा। अब जो एक्स की वैल्यू है वो होगी 4, 0 हो गई, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, अब एक्स की वैल्यू क्या है, 4। अब इफ एक्स इज इक्वल टू 4, हाँ ये कंडीशन अब सेटिस्फाई कर रही है। अब जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो ये यहाँ आ जाएगा ब्रेक। तो ये क्या बोल रहे हैं, ब्रेक। ब्रेक का क्या मतलब है, जो मेरा फॉर लूप चल रहा था अगेन एंड अगेन, जो ये बार बार चल रहा था मेरा, अब उसको अपने को ब्रेक करना है। तो अब जैसे ही ब्रेक आ गया तो अब इसका क्या मतलब है कि जितने भी स्टेटमेंट्स है मेरे वो अब एग्जीक्यूट नहीं होंगे। बेसिकली ब्रेक का क्या मतलब, ब्रेक का ये मतलब है कि अब जो मेरा फॉर लूप है अब इसके आगे नहीं बढ़ेगा। जो तो मैं ये जो मेरा आउटपुट है यही मेरा फाइनल आउटपुट है।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि अपनी कैसे कैसे आउटपुट ये वाला जनरेट किया, बिकॉज एक्स की वैल्यू जैसे ही 4 हुई तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, फिर ये बोल रहा है ब्रेक करने को, तो लूप ब्रेक हो गया है। तो अब जो फिफ्थ और सिक्स लूप था वो अब जो फिफ्थ एंड सिक्स लूप था वो अब नहीं होगा, बिकॉज अपने को ऑलरेडी कंडीशन आ गई है ब्रेक की। अब अपन देखते हैं कि कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है। तो बेसिकली विद द कंटिन्यू स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द करंट इटरेशन ऑफ द लूप एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट। अब इसका क्या मतलब होता है, जैसे कि आपने देखा कि जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो मेरे लूप को ब्रेक कर देता है अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, इवन दो मुझे ध्यान है कि मेरा जो ये लूप है ये 6 बार चलना चाहिए था, बट बिकॉज ये सिर्फ कितनी बार चला, ये सिर्फ 4 बार चला है, बिकॉज मेरी कंडीशन ऐसी थी जैसी मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ब्रेक आ गया। ब्रेक का मतलब अब मेरा लूप आगे नहीं बढ़ेगा। अब अपन देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है। अपन ने सेम सेम एग्जांपल लिया है, मैं आपको वापस एक बार पेन से बना सेम एग्जांपल लिया। अपन एक लिस्ट बनाई, एप्पल वाटरमेलन चेरी, तो आप इसको देख के बोल सकते हैं कि भाई कि ये कितने बार चलेगा फॉर लूप, बिकॉज इसमें 3 आइटम है, कौन से, एप्पल वाटरमेलन चेरी, तो ये 3 बार फॉर लूप चलेगा, आप इसे ये चीज देख सकते हैं। फिर अब क्या है, फॉर एक्स इन फ्रूट्स, तो फर्स्ट टाइम जब फॉर लूप चलेगा तो एक्स की क्या वैल्यू होगी, एप्पल, सेकंड टाइम जब लूप चलेगा एक्स की वैल्यू होगी वाटरमेलन, थर्ड टाइम लूप चलेगा तो एक्स की वैल्यू होगी चेरी। तो फॉर एक्स इन फ्रूट्स, अब जैसे फर्स्ट टू 3 बार लूप चलेगा, फर्स्ट टाइम में एक्स की वैल्यू होगी एप्पल, सेकेंड में वाटरमेलन, थर्ड में चेरी, ये एक्स की वैल्यू होगी। अब क्या बोल रहा है, फॉर फॉर एक्स इन फ्रूट्स इफ एक्स इज इक्वल टू वाटरमेलन, अपने को पता है भाई जब फर्स्ट लूप चल रहा है तो एक्स की वैल्यू क्या है एप्पल, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है ये वाला ये एक्सिक्यूट नहीं होगा, तो सीधा फिर क्या इस पे आ जाएगा, यहाँ से सीधा यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या है, बिकॉज फर्स्ट लूप में एक्स की वैल्यू एप्पल है तो एप्पल प्रिंट हो जाएगी। फिर अब एक्स से सेकेंड लूप चलेगा, फिर यहाँ से वापस यहाँ पे जाएगा, तो अब सेकंड यहाँ पे जाएगा बेसिकली, तो सेकंड लूप चलेगा, फिर चेक करेगा कि भाई अब एक्स की वैल्यू क्या होगी अपनी वाटरमेलन, फिर अभी कंडीशन क्या चेक करे, इफ एक्स इज इक्वल टू वाटरमेलन, हाँ ये कंडीशन एकदम सेटिस्फाई कर रही है, तो अब क्या हो रहा है कंटिन्यू। अब कंटिन्यू का क्या मतलब है, अपन ये समझते हैं, कंटिन्यू का ये मतलब है कि कंटिन्यू के नीचे जितनी भी लाइंस लिखी है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी, जैसे ही कंटिन्यू आ जाता है तो यहाँ से वापस ये यहाँ पे चले जाएगा। तो अगर लेट्स से यहाँ पे मैंने प्रिंट एक्स लिखा है, या मैं कुछ और लाइंस ऑफ कोड लिखता, तो ये जितने भी लाइंस ऑफ कोड होती है एग्जीक्यूट नहीं होती, कंटिन्यू जैसे ही आएगा वापस ये लूप पे चला जाएगा। तो अब तो जैसे ही वापस लूप पे जाएगा, थर्ड बार जब लूप चलेगा तो अब एक्स की वैल्यू क्या हो गई चेरी, फिर तो वापस ये कंडीशन चेक करेगा, इफ एक्स इज इक्वल टू वाटरमेलन, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो अब सीधा यहाँ पे आ जाएगा, प्रिंट क्या करना है एक्स, तो क्या प्रिंट हुआ चेरी, तो अपन ने देखा एप्पल प्रिंट हुआ, वाटरमेलन क्यों नहीं प्रिंट हुआ, क्वेश्चन ये आता है वाटरमेलन इसलिए प्रिंट नहीं हुआ बिकॉज जैसी कंडीशन थी इफ एक्स इज इक्वल टू वाटरमेलन, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू का क्या मतलब है, कंटिन्यू के नीचे जितनी भी लाइंस ऑफ कोड है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना है, कंटिन्यू का मतलब ये है कि भाई जहां से अपना लूप स्टार्ट हुआ था वापस अपने लूप पे चले जाओ। तो अगर अपना जैसे कंटिन्यू का क्या मतलब कि अपना लूप फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो अपना लूप अभी किस पे था, सेकंड पे था लूप, तो अब सीधा थर्ड पे आ जाएगा लूप, तो जैसे ही थर्ड पे लूप आया एक्स की वैल्यू हो गई चेरी, चेरी जैसे ही हुई एक्स की वैल्यू इफ तो ये कंडीशन वापस सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो फिर प्रिंट ऑफ एक्स होगा, तो एप्पल एंड चेरी प्रिंट हो गई हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अपन एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए, जैसे कि आपको मैंने ऊपर बताया था रेंज ऑफ 6 का क्या मतलब है, 0 से वैल्यू स्टार्ट होगी एंड 5 पे स्टॉप हो जाएगी एंड 1 बाय 1 इंक्रीमेंट होगा इसमें, बिकॉज 6 नंबर ऑफ, अब ये क्या बोलता है, फॉर एक्स इन रेंज 6, फॉर एक्स इन रेंज 6, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है रेंज ऑफ 6 का ये मतलब होता है कि इसमें क्या वैल्यू जनरेट होगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं 6, तो ये फॉर लूप कितने बार चलेगा 6 बार, ये जो लूप है ये रन होगा, जितने नंबर ऑफ आइटम्स होंगे जैसे रेंज ऑफ 6 में जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स होंगे अपने को पता है बिकॉज कि रेंज ऑफ 6 में 6 नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं, इसलिए जो लूप है वो 6 बार चलेगा। अब ये क्या बोल रहा है, इफ एक्स इज इक्वल टू 3, अब एक बार रुको, 1, 2, 1 सेकेंड, तो 1, 2, 3, 4,
फाइव सिक्स। अब एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, ये एक्स की वैल्यू हो गई अपनी। तो अभी क्या बोल रहा, फॉर एक्स इन रेंज, ये तो हो गया नंबर ऑफ टाइम लूप्स, कितने बार चल रहा है, ये हो गया लूप। तो फॉर एक्स इन रेंज सिक्स इफ एक्स इज इक्वल टू इक्वल टू थ्री, पहले अपन समझते हैं कि कोड रन कैसे होगा। जब फर्स्ट टाइम लूप रन होगा तो एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही बिकॉज एक्स की वैल्यू जीरो है, तो ये सीधा यहाँ पे आ जाएगा। प्रिंट क्या हो रहा है, जीरो। प्रिंट ऑफ एक्स, एक्स में क्या है, जीरो, तो क्या प्रिंट हुआ, जीरो। फिर एक्स की वैल्यू क्या हुई, फर्स्ट लूप में एक्स की वैल्यू जीरो हो गई। अब सेकेंड लूप पे जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या हुई, वन। तो एक्स की वैल्यू अब वन हो गई। अब इसमें क्या कंडीशन है, इफ एक्स इज इक्वल टू थ्री, ये कंडीशन वापस सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो वापस यहाँ पे प्रिंट करेगा ये। तो एक्स वैल्यू क्या प्रिंट हुई, वन। फिर थर्ड टाइम लूप में एक्स की वैल्यू क्या है, टू। इफ तो ये कंडीशन वापस चेक करेगा, इफ एक्स इज इक्वल टू थ्री, एक्स की वैल्यू है टू, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई फिर से नहीं कर रही, तो वापस ही यहाँ पर आ जाएगा प्रिंट ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू क्या हो गई, प्रिंट टू हो गई। अब क्या है, तो ये हो गया थर्ड लूप। अब फोर्थ लूप में एक्स की वैल्यू क्या है, थ्री। तो अभी क्या बोल रहा है, अब अपन समझते हैं, इफ एक्स इज इक्वल टू थ्री, हाँ ये अब कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है बिकॉज अपनी एक्स की वैल्यू क्या थी, थ्री थी, एंड ये कंडीशन में भी ये बोल रहा है कि क्या एक्स की वैल्यू थ्री है, अगर है तो कंटिन्यू करो। अब कंटिन्यू का क्या मतलब है, कंटिन्यू का ये मतलब है कि जो अपना वापस कर्सर है वो वापस यहाँ पे आ जाएगा, तो इसके नीचे कंटिन्यू के नीचे जितने भी लाइंस ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। दो चीजें याद रखनी है, वापस जो अपना कर्सर है अगर यहाँ पे आ गया तो जितनी भी लाइंस ऑफ कोड है कंटिन्यू के बाद वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो अब एक्स की वैल्यू क्या थी, थ्री। तो अब जैसी एक्स की, अब फिर नेक्स्ट वैल्यू एक्स की क्या होगी, इसमें देख सकता है एक्स की वैल्यू क्या होगी, फोर। कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ये वाली चेक करेगा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी तो प्रिंट क्या करेगा, एक्स। आप देख सकते हैं एक्स की वैल्यू क्या प्रिंट हुई, फोर। फिर एक्स की वैल्यू क्या होगी, फाइव। फिर वापस कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन मीट नहीं करी तो वापस क्या प्रिंट होगा, एक्स। आप देख सकते हैं एक्स प्रिंट हुआ। तो इन एंड ऑल जो आपने देखा उसमें क्या था कि एक्स की वैल्यू जो इसमें है वो थ्री प्रिंट नहीं हो रही, बट उसके अलावा सारी प्रिंट हो रही है। थ्री क्यों प्रिंट नहीं हो रही है, बिकॉज इफ एक्स इज इक्वल टू थ्री अपन कंटिन्यू करें, तो जैसे कंटिन्यू करेंगे वापस ये जो लूप है जो अपना नेक्स्ट लूप स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली कंटिन्यू आने का क्या मतलब है कि अगर लेट्स से मेरा थर्ड लूप चल रहा है या लेट्स से मेरा फोर्थ लूप चल रहा है तो कंटिन्यू जैसे ही आएगा तो मेरा फिफ्थ लूप स्टार्ट हो जाएगा। तो उस लूप में कंटिन्यू के बाद जितने भी नंबर ऑफ मैंने कोड्स ऑफ लाइन लिखी है, लाइंस ऑफ कोड लिखे है, वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी। कंटिन्यू आने का मतलब ये है कि मेरा नेक्स्ट लूप स्टार्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बताइए, एंड अगर आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, एंड अगर कुछ भी डाउट है आपको तो प्लीज कमेंट करिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।